ये चेक मारो गाइस, ऐसे पहाड़ है, ऐसे गाड़ी चल रहा है। ओ भाई ये चेक करो, ब्रेक फेल हो गया। ओ भाई फुल ऑफ रोडिंग हो रहा, भाई फुल ऑफ रोडिंग, भाई सब क्या डेंजर ऑफ रोडिंग हो रहा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, मस्त आ रहा भाई। जैसा लाइफ जीना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे, वैसा देख रहे और जी रहे भाई सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब की दुकान में और मेरे प्यारे इस लाइफ के एक और दिन में। तो गाइस आपका स्वागत है इंडिया टू नेपाल एपिसोड 3 में, और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है काठमांडू से। तो सीन ऐसा है कि अभी बज रहा है 2, अपने को जाना है कहीं घूमने के लिए। लोकेशन मुझे अभी पता नहीं है, बट मीरान के साथ जाना है क्योंकि साहब का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, तो प्लान कैंसिल हो गया। साहब घर ही पे रहेगा, रेस्ट करेगा, तो हम और मीरान निकलेंगे कहीं घूमने के लिए। किधर जाना है, लोकेशन का नाम क्या भाई? मुशान डारा, वो पता नहीं, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। ऑफ रोडिंग है, बहुत मजा आने वाला है। क्या ऑफ रोडिंग भी है ना? बहुत ऑफ रोडिंग है सीन ऐसा। तो अभी बज रहा है 2, अभी भाई आपका थोड़ा देर पहले सो के उठा है तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दिया था भाई गुड मॉर्निंग काठमांडू। तो सीन ऐसा है कि मस्त डिलीट किया अभी थोड़ा देर में, उसके बाद यहाँ से निकलना है और चलना है ब्लॉगिंग करने। खतरनाक सीन होने वाला भाई सब, खतरनाक। देखो कैसा होता है, बट मैं तो भाई पहली बार जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपका तबीयत खराब हो गया मुझे, मतलब उसको आदत नहीं है उतना ट्रैवल करने का, इसलिए तो इसी ने था कि हम लोग यहाँ से निकलते फटाफट और चलते और आप लोग से मिलते मोटर ब्लॉगिंग पे। जैसा कि सीन होगा आगे वैसे आप लोग को दिखाया भी जाएगा और मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग से आगे निकलने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग शेयर करो और प्यारा सा एक लाइक मारो यार। तो फटाफट हम निकलते हैं और मिलते हैं आप लोग से मोटर ब्लॉगिंग पे। तो गाइस आप लोग का स्वागत है मोटो ब्लॉगिंग पे। अभी आपका भाई पहन रहा है ग्लव्स और यहाँ पे अपना सिस्टम साफ़ हो रहा है। यहाँ पे पार्किंग पे जितना गाड़ी है इन्होंने साफ़ करते हैं, सिस्टम साफ़ होने दो, साफ़ हो जाएगा। बहुत डस्ट बैठ गया था, सीन ऐसा हो गया। फटाफट निकलते हैं, रेडी? चलो भाई। तो फाइनली गाइस निकल गए काठमांडू के रोड पर, भाई मचाते हुए निकल लो भाई साहब, क्या ही प्यारा रोड, डेंजर रोड है यार। डेंजर क्या भाई, मस्त है रोड, ये चीज़ चेक करो। और लोकेशन तो अपने को ठीक से पता है नहीं, इधर से किधर लेना है, राइट या लेफ्ट? राइट लेना है। निकल गए भूसान टारा के लिए, फुल ऑफ रोडिंग रोड है और बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहाड़ है, वहाँ से पूरा काठमांडू दिखता है, ऐसा सीन है। तो वहीं आपका भाई जा रहा सीधे सीधे चलना, क्योंकि लोकेशन अपने को पता नहीं, तो ये छोटे बंदे से पूछ के चलना पड़ेगा अपने को। इसको पूरा देखा हुआ है, सीन ऐसा है, यहाँ का लोकल ना इसको सब पता है। ओ भाई साहब यहाँ तो तगड़ा वाला ट्रैफिक मिल गया, कोई शॉर्टकट? नो। ओ यार अपने इधर तो इतना ट्रैफिक लगता था भाई, आपका भाई का शॉर्टकट देखा रहता है, शॉर्टकट लेके निकल लेता। चलो कोई ट्रैफिक क्लियर होगा तो यहाँ से निकला जाएगा। फाइनली ट्रैफिक से निकल गए। ओ भाई लेकिन तगड़ा ट्रैफिक लग गया था यार, लेकिन सही है, रूल बाय रूल ट्रैफिक है, राइट? हाँ सही है भाई साहब, लेकिन डेंजर रोड है यार, सीधे ढुलकाव है, ढुलकते रहो। तो सही है, ये चीज़ यहाँ का सही है भाई, अगर आपको लेफ्ट जाना है तो आप इधर से निकल सकते हैं, अगर राइट जाना तो इधर रुकना पड़ेगा आपको। अगर उस लाइन, ये लाइन दो लाइन देख रहे हैं, अगर उधर आप चले गए तो फाइन कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट जाना तो आप निकल सकते हैं, रुकने का कोई हक नहीं है, और राइट से अगर जाना तो आपको रुकना होगा, ये चीज़ सही है। तो गाइस ये चेक मारो भाई, आपका भाई फिर से आ चुका है पहाड़ों के बीचों बीच, इधर खाई इधर पार। और ठंड लगने लगा यार, ठंड लग रहा भाई, ठंड ठंड लग रहा है, बोल रहा हूँ भाई ठंड लग रहा है भाई, जब तगड़ा ठंड लगने लगा। उधर तो भाई ठंड नहीं लग रहा था। वो किसका? तेरा स्कूल है ये? चलो यार सही है, तू पहाड़ों पे रहता है यार स्कूल पे, ये सही है यार। तो ये जैसे रोड जाएगा वैसे ही जाना है। ओके ओके भाई, ओके भाई, ओके भाई, ओके दिया जाता उससे सैप रहता तो अच्छा ही लगता, बट वो बोला भाई नक्की भाई मेरे से नहीं होने वाला भाई, मैं बहुत थक गया,
शाम में फिर चलेंगे घूमने, इधर उधर हमको घुमा दीजिएगा तो घूम लेंगे। लेकिन बेचारा थक गया, उसको ट्रैवल करने का आदत नहीं ना। हर किसी का बात नहीं है भाई, पहाड़ पे गाड़ी चला लेना और पहाड़ पे गाड़ी पे बैठ के आ जाना। ओ भाई ये चेक करो यार, क्या ही तबाही लग रहा है यार। सही है, चलो भाई इससे भी ऊपर अपने को जाना है ना। ओ भाई साहब, देखने के चक्कर में इधर घुस गया गाड़ी यार, अभी क्रैश हो जाता अपना सिस्टम, बच गया यार। चलो भाई अब सामने ध्यान देना भाई, आसान नहीं है यार, बाइक भी चलाना, मोटो ब्लॉगिंग भी करना, सामने देखना भी है, गियर डाउन करना, ब्रेक दाबना, पहाड़ों पे गाड़ी चलाना, बहुत ही मुश्किल है भाई। देखने में ब्लॉग में आसान लग रहा होगा बट ऐसा है नहीं भाई, बहुत ही हार्ड है यार। चलो अब फोकस करते हैं लोकेशन पे जाने का। ये चेक मारो गाइस, ऐसे पहाड़ है, ऐसे गाड़ी चल रहा है, ये चेक करो भाई साहब। ओ हो बिली हो रहा यार भाई साहब, पकड़ ले यार तू। हाँ खतरनाक लेकिन उड़ा यार। ओ भाई मेरे, ये भाई पूरा खड़ा पहाड़ है और सामने से कभी भी बाइक या कार आ सकता है, तो अपने लाइन में चलना होगा। एक से दो गियर पे चलाना गाड़ी, उससे ज्यादा कोई फायदा ही नहीं तोड़ के। और ये चेक मारो, पूरा काठमांडू दिख रहा। तो गाइस यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुका है। ओ भाई साहब ये चेक मारो, ऑफ रोडिंग, पूरा रोड ऑफ रोडिंग आ गया यहाँ से। ओ भाई साहब ये चेक मारो, फुल ऑफ रोडिंग हो रहा, क्रेजी ऑफ रोडिंग में लेके आया यार ये भाई लद्दाख का रोड है। बारिश अगर होता होगा बहुत प्रॉब्लम हो जाता होगा क्या यार। सही है, फिर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ यार तो हाँ सीधा खाई में यार। हाँ एक ही गियर पे चढ़ाना। ओ भाई लेकिन डेंजर ऑफ रोडिंग आज हो रहा है। ये चेक करो भाई, फुल ऑफ रोडिंग हो रहा भाई, फुल ऑफ रोडिंग भाई साहब, क्या डेंजर ऑफ रोडिंग हो रहा है। ओ भाई साहब लेकिन क्रेजी जगह लेके आया ये मेरा भाई। और यहाँ से पूरा काठमांडू दिख रहा है, और इसके ऊपर भी जाना, और भी ऊपर जाना है, अभी और ऊपर तक ऑफ रोडिंग है, लेकिन मजा आ रहा है ऑफ रोडिंग करने में। ऑफ रोडिंग बाइक रहता अपने पास तो और भी मजा आता। और ये चेक करो गाइस, अगर मैं रोक दिया तो भाई बहुत ही प्रॉब्लम हो जाए, बैक हो जाएंगे हम लोग, बट अपने को रोकना नहीं है। तू पकड़े रहा भाई मेरा, पकड़े रहा मेरे भाई साहब, डेंजर ऑफ रोडिंग है यार, गिर मत जाइयो। ओ भाई खतरनाक ऑफ रोडिंग है भाई, खतरनाक भाई साहब, 360 में लाया हूँ बट लगा नहीं रहा भाई भाई, क्योंकि ध्यान 360 पे अपना रहेगा इसलिए। ओ भाई खतरनाक ऑफ रोडिंग है यार, व्हीली हो रहा भाई, मतलब ओ भाई थोड़ा सा भी अनबैलेंस हुआ, नहीं चला लूंगा यार, थोड़ा भी अनबैलेंस हुआ तो खाई में, बायां ही चलना होगा अपने को। ओ भाई गाइस,
पूरा काठमांडू यहाँ से दिख रहा है, खतरनाक सीन है। फुल ऑफ रोडिंग का आज मजा लिया जा रहा है भाई, बस कल वाला जो डर है वो आज भी है, बस टायर पंचर ना हो अपना। ओ भाई, क्योंकि बर्न आउट मारते मारते टायर पूरा अपना खत्म सा हो गया। ओ भाई, फोकस पूरा सामने देना है, बस उधर देखने के चक्कर में इधर उधर हैंडल हो जाएगा, तो सामने पूरा फोकस करना अपने को। लेकिन मजा आ रहा है यार ऑफ रोडिंग करने में। फाइनली पहुंच गए। ओ भाई, ये चेक करो, यहाँ से पूरा काठमांडू आपको दिखेगा, ऐसा सीन है भाई। जब भयंकर जगह हम लोग आ गए, लेकिन मस्त एरिया तू लेके आया भाई, क्रेजी। और यहाँ पे थोड़ा राइडिंग जैकेट उतारते उतारते और थोड़ा सा रेस्ट करते भाई, लेकिन बहुत ही याद है अपने का, हालत ख़राब हो गया यार, लेकिन सही है। लोकेशन ये चेक करो, यहाँ से सारा काठमांडू दिखता है ना, यहाँ से पूरा और भी ऊपर जाएंगे, रेस्टोरेंट में वो तो चलेंगे। और एक मारो गाइस, क्या ही खतरनाक लग रहा यार भाई सब, लेकिन खतरनाक लग रहा। फुल ऑफ रोडिंग तू आज करवा दिया, मजा आ गया भाई, लेकिन कुछ भी का मतलब थोड़ा पूरा काठमांडू दिख रहा है। ओ भाई साहब, तो यहाँ पे मस्त एक इंस्टा रील्स बनाते और क्या ही क्रेजी लग रहा भाई देखने में। एकदम छोटू 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 सा छोटू सा घर दिख रहा है, लेकिन सही है, मस्त आ रहा भाई। जैसा लाइफ जीना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे, वैसा देख रहे और जी रहे भाई साहब, खतरनाक। हो भाई, जितना तारीफ करो यहाँ पे उतना कम है, इतना अच्छा लग रहा देखकर। सही है, तो इंस्टा रील फटाफट बना। वो जो नदी दिख रहा है आपको, यहाँ ये जो नदी है वो उसको तौदाह पार्क बोलते हैं हम लोग। वहाँ जितना भी वहाँ से आपको हाईवे दिख रहा है, जितना भी रोड है, हम लोग उसी सिटी से, हम लोग वही शहर से, हम लोग यहाँ इतना रास्ता कवर करते हुए यहाँ पहाड़ तक आए। सही है यार, लेकिन घर बहुत छोटा छोटा यहाँ से दिख रहा है, पूरा काठमांडू दिख रहा है यहाँ से पूरा काठमांडू दिख रहा है। ये चेक मारो भाई, लेकिन जबरदस्त भाई, क्या ही प्यारा लोकेशन पे तुमने लेके लाया है भाई, खतरनाक। थैंक यू सो मच। और किधर भी चलना है भाई? किधर बैठो भाई, धूप बहुत है इधर, मतलब रेस्टोरेंट जाएंगे थोड़ी देर में, रेस्टोरेंट में बैठे बैठे पहले रील्स बना लेते हैं, उसके बाद रेस्टोरेंट में बैठा जाएगा, मस्त खाया पिया जाएगा, उसके बाद फिर नीचे उतरा जाएगा, उसके बाद आगे का प्लान अभी बता देंगे तो फिर मज़ा क्या आएगा क्या। तो फटाफट पहले इंस्टा रील बना ले। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए तो नीचे मेरा आईडी आ रहा होगा, तो पहले जाके आप लोग फटाफट फॉलो कर लो, क्योंकि पहला अपडेट इंस्टाग्राम पे आता है और ब्लॉग पे कल हो के आता है। तो फटाफट जा रहे इंस्टा रील बनाने। फाइनली व्हाइट हाउस रिजॉर्ट पे आ चुके हैं, ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पे चेक मारो भाई, मस्त बैठ के खाएंगे। क्या पे यहाँ पे ऑर्डर करना? आलू चिल्ली ऑर्डर किया है और चीज़ पकौड़ा ऑर्डर किया है, पकौड़ा, क्योंकि चिकन यहाँ पे हलाल भी नहीं होता ना, चिकन यहाँ पे भी हलाल नहीं मिलता, ऐसा सीन है। और ये चेक करो गाइस, ये जो है भाई, ये अपने को बहुत पसंद आ रहा है, ये जो सीन है यार भाई सब, घर सब भाई सब, जो घर सब है एकदम छोटा छोटा घर सब, लेकिन मस्त सीन आ रहा, मस्त फोटो वोटो आया, खतरनाक रील्स वील्स भी बना लिए। तो थोड़ा सा अपने को भूख लग गया था तो ऑर्डर कर दिए, तो आएगा तो आप लोग को दिखाएंगे। और गाइस फाइनली आ चुका है पोटैटो चिल्ली, और टेस्ट करते इसको कैसा है। मस्त है यार, सही है, टेस्ट ठीक है, ये तो बात है। और क्या एक पकौड़ा ऑर्डर किया ना, पकौड़ा आएगा तो पकौड़ा का भी टेस्ट करके बताया जाए कैसा। लेकिन ये चेक करो यार, खतरनाक है यार चीज़ पकौड़ा, ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, पता है इतना ऊपर से देखने का जो नज़ारा भाई, वो चीज़ मस्त है। ये चेक करो, मतलब कैमरा में उतना समझ में नहीं आ रहा है जितना भाई
लाइव देखने में मजा आ रहा है, ये सीन मस्त है। तो खाते हैं, तो गाइस मस्त खा पी लिए और यहाँ सब निकलते। भाई सब क्या ही हवा चल रहा है यार, दम ठंड लग रहा है अब, क्योंकि शाम का 4:30 हो चुका है और ठंड से हालत ख़राब हो रहा है यार। हम लोग बहुत ऊपर है ना, निकलते हैं। बैठ मीरू, पकड़ लेना यार, ठीक है। चलो भाई चलते हैं, फिर से अपने को ऑफ रोडिंग मिलेगा। ओ भाई अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यार, सीधे खाई में हम लोग जाएंगे। ओ बहुत ठंड है यार, ठंड से तो हालत ख़राब हो रही है। यहाँ पे बिल दिया जाता है, अगर आप खाए पिए तो बिल दे के जाओ, नहीं तो लोग भाग जाते हैं ना इसलिए। और यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो चुका है। हाँ किसका? ओ भाई, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लेफ्ट ना, लेफ्ट ना, ओए लेफ्ट ना। भाई साहब तगड़ा ऑफ रोडिंग हो रहा है यार। ओ भाई लेकिन डेंजर जगह लेके आ गया ये तो। ऊपर वाला का शुक्र है कुछ हुआ नहीं। किधर, नीचे या ऊपर? ऊपर। मुझे लग रहा है घर जाके अपना GoPro अपडेट करना होगा मुझे, इसको हटा के 11 या 12 लेना होगा। 12 तो लॉन्च हुआ या नहीं हुआ, बट 11 तो लॉन्च हो चुका है। ऑफ रोडिंग तो ख़त्म हो गया लेकिन डेंजर अभी भी है यार, ये चेक करो। ओ भाई साहब कोई रेस्ट नहीं देना, खुद पे खुद ऑटोमेटिक जा रहा है। ये चेक करो भाई, 20-25 का स्पीड पकड़ ले रहा है ये भाई साहब। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ साहब, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई 40 पकड़ लिया यार, सही है। कोई रेस्ट नहीं देना, बस ब्रेक पे कंट्रोल करना, बस ब्रेक पे। मुझे लग रहा है भाई GoPro मुझे अपडेट करना होगा, न्यू वाला लेना होगा। ये चेक करो भाई, ब्रेक ही थोड़ा सा पीछे वाला लग ही नहीं रहा यार, इतना स्पीड जा रहा भाई। अबे यार ब्रेक काम नहीं कर रहा यार, ब्रेक काम नहीं कर रहा पीछे का। हाँ ये चेक करो, सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। हाँ ये चेक करो, ब्रेक फेल हो गया। ओ भाई साहब ब्रेक फेल हो गया। अब हो जाता है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा, इधर हो जाता है ऐसा। चलो तब सही है, ब्रेक फेल हो गया पीछे का, ये चेक मारो। तो अब हम लोग भूसनधारा को करते हैं यहाँ से बाय बाय और काठमांडू में एंट्री मारते हैं। और भैंस की टांग एक कांड हो गया यार, अपना पीछे का ब्रेक फेल हो गया थोड़ा सा, बट थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है। तो देखता हूँ थोड़ी देर में, अगर एयर ले लिया तो सही है, नहीं लिया तो कहीं पे दिखाया जाएगा। लेकिन डेंजर ऑफ रोडिंग हुआ यार, डेंजर। तो फाइनली गाइस काठमांडू में एंट्री मार लिए और जा रहे हैं एक और रेस्टोरेंट में कहीं खाने पीने के लिए। भाई ट्रैफिक यहाँ तो भाई बहुत टाइट है, ये तो भाई मैं मानता हूँ यार बहुत ही टाइट है। ये कौन सा एरिया है भाई? क्षेत्रा पार्टी, बहुत डेंजर नाम है यार क्षेत्रा पार्टी। इसका मतलब क्या होता है क्षेत्रा पार्टी का? क्षेत्रा एक जात होता है, वही का पार्टी उसे इन लोगों की जुड़ो है। ओ ओ ओ, ओ, ओ या, या, या एक ग्रुप आता है क्षेत्रा पार्टी, वही एरिया मतलब उन लोगों का ग्रुप का यहाँ पे घर वर है, इसलिए इस जगह का नाम है क्षेत्रा पार्टी। सही है, ये चीज़ जानना जरूरी है ना भाई, मतलब हर जगह का क्या क्या नाम है। अभी हम लोग किस रोड पे जा रहे हैं, कहाँ जाना अपने को? थमेल जहाँ कल गए थे। ओ सही है, थमेल जा रहे जो कल गए थे जहाँ, तो वहाँ तो हलाल रेस्टोरेंट मिला ही नहीं था यार कल। सीधा चलो कह रहा, सीधा चलो ठीक, इसके माइंड में आ गया होगा एक, तो चलते हैं वहीं। कहाँ पे रेस्टोरेंट है? पीछे है क्या? हाँ
लोकेशन देख रहे हो? चलो सही है, साइड में लगाओ। तो गाइस फाइनली रेस्टोरेंट तो मिल गया था खाने का, वो देखो पोटाला रेस्टोरेंट हलाल फूड। तो सीन ऐसा हो गया, पार्किंग ही नहीं मिल रहा यार अपने को, क्या किया जाए मिरान? कहाँ पर है जगह? चलो भाई फाइनली पार्किंग मिल गया, मुझे तो लगा नहीं मिलेगा। तो चलते हैं पोटाला रेस्टोरेंट हलाल फूड। कल से ढूंढना भाई कुछ खाने को मिल जाए यार, फाइनली मिल गया ये। हो चलो भाई कहीं पे भी बैठ जा। इधर ही बैठ जा। तो फटाफट क्या थुप्पा? अच्छा ठीक है, मेन्यू यहाँ रखा हुआ यार। हो भाई साहब तो फटाफट ऑर्डर करते हैं अपना थुप्पा और मस्त खाते हैं। तो फाइनली चाइनीज डिश खा लिया मैंने, थुप्पा बहुत ही टेस्टी था यार, कुछ भी को बहुत अच्छा लगा भाई टेस्ट। और यहाँ पे बिल पे करना है, बिल पे करके बाद फटाफट यहाँ से निकलना है घर के लिए, क्योंकि ठंड अपने को बहुत लग रहा है, ऐसा सीन हो गया। तो फटाफट अब यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। तो चलते हैं यहाँ से। हो भाई साहब ठंड तो भाई तगड़ा लग रहा है। और ये चेक करो भाई क्या ही डेंजर डॉग है यार। ओ भाई हर सिस्टम वहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा सा दिक्कत है नहीं बदे। और फाइनली यहाँ से निकलते अब थमी लोड सब निकलते हैं घर की ओर। ठंड अपने को यार लगने लगा यार, तगड़ा वाला ठंड लगने लगा। ओ भाई लेकिन हवा चल रहा है ना, सीधा ठंड लग रहा भाई पूरे बॉडी में। सीधा चल रहा है ना, सीधा यहाँ से राइट, ठीक है भाई सीधा ये वन वे। देखो भाई यहाँ पे भाई ट्रैफिक रूल बहुत ही तगड़ा टाइट है, बहुत ठंड लग रहा भाई, फटाफट घर पहुँच जाऊँ। थामिल रोड से निकलते ही मिल गया अपने को तगड़ा वाला ट्रैफिक भाई, सब दम लंबा लगा हुआ ट्रैफिक। ओ भाई अगर यहाँ के ट्रैफिक को कोई समझ जाए तो पूरे नेपाल में कहीं पे भी चला सकता है, ये सीन है भाई। अगर यहाँ के ट्रैफिक अगर काठमांडू के ट्रैफिक को समझ गया कि हाँ ऐसे 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 जाना, यू टर्न ऐसे करना, यहाँ पे रुकना अपने को, इधर वन वे नहीं है, तो आप नेपाल में कहीं पे भी चला सकते हैं आराम से। अगर आपको पहले ही राइट मुड़ना है तो कम से कम थोड़ा देर पहले ही इंडिकेटर आपको दे देना होगा कि हाँ भाई मुझे राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। ये चीज़ बढ़िया है कि पीछे वाले लोग को पता चल जाएगा कि आपको किधर जाना। अगर आपके पास दोनों साइड मिरर और इंडिकेटर नहीं हुआ चारों, तो आपका फाइन भी कट सकता है। और इंडियन गाड़ी है तो आपको भंसारी में ही एंट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा चेक होता है गाड़ी, आपके गाड़ी में मिरर है या दोनों नहीं, चार इंडिकेटर है या नहीं है, ये चीज़ चेक होता है। सोचा ये चीज़ मुझे पता चला है तो आप लोग से भी शेयर कर दे, क्योंकि आप लोग भी कभी नेपाल का बाइक से ट्रिप बनाए तो ये चीज़ आप लोग को पता रहना चाहिए, ये चीज़ यहाँ बहुत ज़रूरी है। जो ज़रूरी है पूरा वो मैं बता देता हूँ। पहला है गाड़ी का इंश्योरेंस, दूसरा है प्रदूषण, और तीसरा है मिरर, और फोर्थ है इंडिकेटर, फाइव है लाइसेंस, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है तब तक आप कहीं पे भी गाड़ी नहीं चला सकते भाई, नहीं तो पकड़े जाने पे चलान कर सकता। पूरे वर्ल्ड में आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आप पूरे वर्ल्ड में नहीं चला सकते कहीं कभी। पहले लाइसेंस बनाओ तब बाइक निकालो। और फाइनली घर तो आ गया, और लगाते हैं सिस्टम
अंदर। ओ भाई चलो फाइनली घर पे तो पहुंच गए और यहाँ पे लगाते हैं अपना सिस्टम। दोनों मिरर बंद करते और पार्किंग करते और चलते फटाफट अंदर। बहुत थक गए यार।